आज हम समझने वाले हैं जियान के किट को। लेट्स बिगिन। जियान अपने बेसिक अटैक को 5 स्टेप्स में परफॉर्म करता है। 1 2 3 4 5 ये हुआ जियान का बेसिक अटैक। जियान का मेन डैमेज उसके हैवी अटैक से आता है। तो हैवी अटैक जो है जियान दो तरीके से करता है। पहला तरीका है आप अपने बेसिक अटैक के बटन को दबा के रखो। अगर दबा के रखोगे तो बेसिक अटैक जो है हैवी अटैक में कन्वर्ट होगा और वो इस तरीके से होगा। लेकिन अगर आप बेसिक अटैक के बटन को दबाने के बाद उसे बीच में छोड़ देते हो तो दूसरे तरीके का बेसिक अटैक होगा। तो दबा के रखोगे तो और छोड़ दोगे तो छोड़ने पे और दबाए रखने पे। अब बात करते हैं जियान की रेजोनेंस स्किल की। ई प्रेस करने पर जियान आगे की तरफ डैश करता है और एरो डैमेज डील करता है। जियान की जो स्किल है मिड एयर भी डील की जा सकती है। अगर आप हवा में हैं तो भी आप उसे डील कर सकते हो, जैसे कि गेंशिन इंपैक्ट में शाओ की तरह। अब हम बात करते हैं जियान के फोर्ट सर्किट के बारे में। अब जियान का फोर्ट सर्किट क्या होता है? अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बार दिखेगा, ये है जियान का रिजॉल्व। एक बार में जियान 60 रिजॉल्व अपने पास रख सकता है। और रिजॉल्व बढ़ता कैसे है? रिजॉल्व बढ़ता है एनिमीज को अटैक करके। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं अटैक कर रहा हूं नीचे रिजॉल्व का बार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं एनिमीज को अटैक करता हूं रिजॉल्व का बार बढ़ता है। और जैसे ही मैं अपनी स्किल यूज करता हूं और वो स्किल जब एनिमी को हिट करती है तो रिजॉल्व कंज्यूम होता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर आपके पास 30 रिजॉल्व है, यानी कि ये बार अगर आधा बढ़ा हुआ है, जैसे कि इस टाइम ये रिजॉल्व का बार आधा बढ़ा हुआ है, अब मैं जब अपनी स्किल यूज करूंगा तो वो स्किल जो है 20% मोर डैमेज करेगी। तो बेसिकली अगर आपका रिजॉल्व जो है वो 30 हाफ से ज्यादा है, टोटल 60 होता है हाफ 30, अगर 30 से ज्यादा रिजॉल्व है तब अगर आप अपनी स्किल यूज करते हो तो उसमें से 30 रिजॉल्व कंज्यूम होगा और आपकी जो स्किल विंड क्वेलर है वो ज्यादा डैमेज करेगी। दोबारा दिखा देता हूं, ये आपने अपना एनिमीज को बेसिक अटैक करके रिजॉल्व चार्ज किया और अब स्किल आप यूज करेंगे तो वो स्किल ज्यादा डैमेज करेगी और रिजॉल्व को कंज्यूम करेगी। ये कहता है फोर्ट सर्किट की पहली डिस्क्रिप्शन। फोर्ट सर्किट की दूसरी डिस्क्रिप्शन ये कहती है कि जियान जब अपनी अल्टीमेट मोड, यानी कि जब आप आर प्रेस करोगे तब जियान जब अपने अल्टीमेट मोड में होता है उस मोड के अंदर जियान की जो स्किल है वो 20% ज्यादा डैमेज देगी। और उस टाइम पे वो ज्यादा डैमेज देगी, 20% ज्यादा डैमेज देगी, लेकिन उसके लिए उसको रिजॉल्व कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका रिजॉल्व अच्छे से बिल्ट है और आप अपनी अल्टीमेट मोड के अंदर हो तब अगर आप स्किल प्रेस करते हो तो बिना रिजॉल्व को कंज्यूम किए आप 20% ज्यादा डैमेज करोगे अपनी स्किल से। ये कहता है फोर्ट सर्किट जियान का। एक बात आप याद रखना कि अगर जियान 15 सेकंड से ज्यादा किसी एनिमी को हिट नहीं करता है तो उसका रिजॉल्व धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और फिर एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। जैसे आप अभी देख सकते हो इस टाइम मेरा रिजॉल्व जीरो हो गया क्योंकि पिछले 15 सेकंड या उससे ज्यादा मैंने किसी एनिमी से फाइट नहीं की है। तो बेसिकली जियान जब भी बैटल के अंदर जाता है तो उसको बेसिक अटैक और अपनी इंट्रो स्किल के थ्रू अपने रिजॉल्व को चार्ज करना होता है। जैसे ही रिजॉल्व 30 के पार जाता है आप अपना स्किल यूज करके रिजॉल्व को कंज्यूम करके स्किल का डैमेज बढ़ा सकते हो। अगर आप अपने अल्टीमेट मोड में हो तो आपकी स्किल 20% ज्यादा डैमेज करेगी बिना रिजॉल्व को कंज्यूम किए। अब बात करते हैं जियान की अल्टीमेट, यानी कि उसकी आर के बारे में जो इस टाइम पूरी की पूरी चार्ज है मेरी। जब भी आप जियान की अल्टीमेट यूज करते हो तो जियान चला जाता है क्विंग लॉन्ग मोड के अंदर और उस मोड में वो अपने स्पीयर से कंटिन्यूअसली एरो डैमेज डील करता है अपने सराउंडिंग एनिमीज को लेके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जियान को लेके ये है कि ये अपनी अल्टीमेट को दो तरीके से कास्ट कर सकता है। वो कैसे? अगर अल्टीमेट कास्ट करते टाइम जियान का रिजॉल्व जीरो है जैसा कि अभी है तो जियान सिंपली
अपनी अल्टीमेट के किंग लॉन्ग मोड के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजॉल्व उस टाइम पे 30 से ज्यादा है, तो चलिए पहले रिजॉल्व को 30 से ज्यादा करते हैं। और रिजॉल्व को 30 से ज्यादा, रिजॉल्व को गेन करने का तरीका क्या बताया था? बेसिक अटैक करके। आप बेसिक अटैक करेंगे, रिजॉल्व चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इस मोड में इस वक्त मेरा रिजॉल्व 30 से ज्यादा है। इस मोड में अगर मैं जंप करके अपनी अल्टीमेट प्रेस करूंगा तो जियान किंग लोड मॉब भाई, तो ये जियान का किंग लॉन्ग मोड था। तो अगर मैंने ज्यादा रिजॉल्व के अंदर, जैसे आपने देखा मेरा रिजॉल्व 30 से ज्यादा था, 30 से ज्यादा रिजॉल्व में जब मैं जंप करके, एक बात ध्यान रखना, आपका जंप करना जरूरी है। अगर आप जंप करके जियान के अल्टीमेट प्रेस करोगे तो किंग लॉर्ड किंग लॉन्ग मोड में जाने से पहले वो एक मैसिव मैसिव डैमेज करेगा अपने एनिमीज को। और अगर आपका रिजॉल्व जीरो है जैसे मेरा इस वक्त है, इस मोमेंट पे अगर मैं अपनी अल्टीमेट प्रेस करूंगा तो कोई भी डैमेज नहीं होगा। जो भी डैमेज होगा वो किंग लॉन्ग मोड में जाने के बाद होगा। और किंग लॉन्ग का मतलब क्या होता है, वर्ड आप बहुत सुन रहे हो, किंग लॉन्ग बेसिकली जियान के स्पियर का नाम है, उसके वेपन का नहीं। वेपन तो जियान का अलग है, वर्डांट समिट। ये जो स्पीयर इसने पकड़ा हुआ है, ये स्पीयर का नाम है किंग लॉन्ग। तो ये था जियान की स्किल, जियान की स्किल को एनहांस कैसे करना है, जियान की अल्टीमेट एनहांस डैमेज कैसे करती है। ऑल डिपेंड्स ऑन जियान्स रिजॉल्व। जियान का रिजॉल्व अगर 30 से ज्यादा होगा तो स्किल भी ज्यादा डैमेज करेगी और अल्टीमेट भी ज्यादा डैमेज करेगी। और जियान अगर अपने अल्टीमेट मोड में है तो उस टाइम स्किल को ज्यादा डैमेज करने के लिए रिजॉल्व को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जियान के बेस्ट एको सेट के बारे में। तो जियान का जो बेस्ट एको सेट है वो है 5-piece Sierra Gale। 5-piece Sierra Gale जो है 2-piece में होने पे एरो डैमेज बूस्ट देता है और 5-piece होने पर इंट्रो स्किल यूज करने के बाद एरो डैमेज इंक्रीज करता है। लेकिन कौन कौन सी एकोज आपको रखनी है वो मैं आपको बताता हूं। सब जियान की जो मेन एको है वो होनी चाहिए फीलियन बैरिंगल। इस टाइम गेम में जितनी भी एकोज है उसमें इकलौती यही एक एको है जो जिसको यूज करने के बाद वो अपने रेजोनेटर का, जो अपना कैरेक्टर है, उसका एरो डैमेज और हैवी अटैक डैमेज इंक्रीज करती है। इसके अलावा जितनी भी एकोज हैं उनके इफेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन फिलियन बैरिंगल इकलौता एको है जो जियान के एरो डैमेज और उसके हैवी डैमेज को बूस्ट करता है। बाय द वे, जब भी आप जियान की अल्टीमेट के अंदर हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक अटैक करने के बजाय अपने बेसिक अटैक को होल्ड करके रखें और उससे हैवी अटैक यूज करें जब आप अल्टीमेट मोड के अंदर हो, क्योंकि हैवी अटैक जो है अल्टीमेट मोड में ज्यादा डैमेज करता है बेसिक अटैक से। तो कंसेक्यूटिव अटैक करने के बजाय, यानी कि अपने माउस के बटन को बार बार दबाने के बजाय, आप उसको होल्ड करके रखो और जियान आपका ज्यादा डैमेज देगा जब वो अपनी अल्टीमेट मोड में होगा। दोबारा से आते हैं एकोस के ऊपर। तो मेन एको फिलियन पैरिंगल, ये आपकी क्रिट रेट भी हो सकती है, क्रिट डैमेज भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपका किस चीज की आपको कमी है। स्टार्टिंग के अंदर हर कैरेक्टर के अंदर, जैसे जियान के अंदर भी, मुझे ऐसा लगता है कि उसको क्रिट रेट की बहुत जरूरत है क्योंकि स्टार्टिंग में उसका क्रिट रेट बहुत कम होता है। तो अगर आपको क्रिट रेट वाला फीलियन बैरिंगल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको क्रिट डैमेज या अटैक भी दे सकते हैं। एचपी डिफेंस का जियान के ऊपर कोई यूज नहीं है। बात करते हैं बाकी की एकोज की। तो बाकी की एकोज के अंदर अगर आपको कहीं पे क्रिट डैमेज मिलता है तो आप वो दे सकते हैं। एनर्जी रीजन अगर आपको किसी एको में मिलता है तो आप वो दे सकते हैं, क्योंकि जियान का जो मेन डैमेज आता है वो उसकी अल्टीमेट से आता है और अल्टीमेट चार्ज करने के लिए वुदरिंग वेव्स की भाषा में से रेजोनेंस लिबरेशन कहते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर की रेजोनेंस लिबरेशन चार्ज करने के लिए एनर्जी रीजनरेशन होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कोई भी ऑन सेट एको ऐसी मिलती है जिसमें एनर्जी रीजनरेशन है तो आप वो दे सकते हैं। दूसरा, एरो डैमेज बोनस जियान के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जियान का जो मेन डैमेज है वो एरो डैमेज ही है, फिजिकल डैमेज नहीं है, एरो डैमेज है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एरो डैमेज बोनस दिया हुआ है, क्रिट रेट दिया हुआ है, मेरे पास एनर्जी रीजन वाला एको भी है, पर एक 5 सेट के अंदर आप 2 तरह के एको रिपीट कर नहीं सकते। मेरे पास जैसे एरो डैमेज बोनस का सियान फेदर्ड हेरन है तो मैं दूसरा सियान फेदर्ड हेरन इस सेट के अंदर नहीं दे सकता। तो अगर आपके पास 5 एको हैं तो 5 के 5 अलग अलग स्पीशीज के होने चाहिए, नहीं तो वो इफेक्ट के अंदर काउंट नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एरो डैमेज बोनस देना चाहिए तो मैंने एरो डैमेज बोनस दिया हुआ है। उसके अलावा अटैक को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, और किसी दूसरे के पास अगर आपको क्रिट डैमेज मिलता है, क्रिट रेट मिलता है, तो वो भी आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हो। तो प्रायोरिटी वाइज क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एरो डैमेज, एनर्जी रीजनरेशन, अटैक।
अब बात करते हैं जियान के बेस्ट वेपन्स की। तो जियान का बेस्ट वेपन जो है ऑब्वियसली वो उसका खुद का वेपन वर्डांट समिट है। वर्डांट समिट आपको क्रिट डैमेज देता है, वर्डांट समिट आपको ओवरऑल 12% का डैमेज बूस्ट देता है। साथ ही साथ जब जब आप जियान का इंट्रो स्किल कास्ट करोगे या उसकी रेजोनेंस लिबरेशन जो कि उसकी अल्टीमेट है वो कास्ट करोगे तो आपको 24% का अटैक डैमेज बोनस मिलेगा जो 2 बार स्टैक होता है। तो बेसिकली जैसे ही इंट्रो स्किल कास्ट करने के बाद आप जैसे ही अल्टीमेट कास्ट करोगे तो आपको 48% का डैमेज बूस्ट मिलेगा 14 सेकंड तक के लिए। जियान पे जो दूसरे वेपन दिए जा सकते हैं उनमें से है 5-star लस्ट्रस रेजर, 4-star ऑटम ट्रेस, 4-star डिस्कॉर्ड और 4-star हीलियोस क्लीवर। तो ये थी आपकी छोटी सी जियान की बिल्ड गाइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।